प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स में थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज होती हैं इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस नाउ वे गन स्टडी अबाउट देम इन डेप्थ मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स दिए थे अब हम उनके सोल्यूशन एंड क्वेश्चन दोनों देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज जहाँ पे दो टाइप्स की होती है फर्स्ट होती है अनऑर्गेनाइज एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज लेट अस लेट अस बिगिन विथ अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज कोई भी चीज़ अनऑर्गेनाइज कब है जब आपने उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया इन सिंपल वर्ड्स जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जब हमें कोई चीज़ घर पे नहीं मिलती है तो हम ममा को आवाज़ लगाते हैं मम्मी प्लीज़ ये ढूंढ दो मेरे सॉक्स कहाँ है मेरी पेन कहाँ है वॉट एवर यू वॉन्ट राइट वाई इज़ दैट केस वहां पर ऐसा क्यों होता है क्योंकि मदर्स हमसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज है वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं ठीक है तो उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और हम वो चीज़ नहीं करते तो जो चीज़ हम रख रहे हैं वैसे अनऑर्गेनाइज़ तरीके से डेटा के केस में भी ऐसा ही होता है जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो आपका फोकस डेटा को कलेक्ट करने में होता है उसको ऑर्गेनाइज करने पे नहीं होता है तो जो डेटा आपने कलेक्ट किया जो ऑर्गेनाइज नहीं है उसे हम बोलते हैं रॉ डेटा और इसीलिए इसको हम बोलेंगे अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज़ मतलब क्या इंडिविजुअल मतलब जब आप कोई एक आइटम प्रेजेंट कर रहे हो एक आइटम आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मार्क्स ऑपटेन बाय थर्टीन स्टूडेंट्स आपको इनसे नाम से लेना देना नहीं है एज से लेना देना नहीं है आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो सिर्फ उन थर्टीन स्टूडेंट्स के मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये क्या किया आपने इंडिविजुअल सीरीज रिप्रेजेंट किया अनऑर्गेनाइज क्यों है ये इस आपने कलेक्ट किया और लिख दिया सो दिस इज हाउ अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज लुक्स लाइक ठीक है तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वन देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज को आप दो तरीके से कर सकते हो पहला होता है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर लेट्स से क्लास में थर्टीन स्टूडेंट्स हैं तो रोल नंबर्स भी होंगे फर्स्ट रोल नंबर सेकेंड रोल नंबर थर्ड रोल नंबर तो बस जितने रोल नंबर आएंगे उस तरीके से आप मार्क्स लिखते जाओ कि फर्स्ट रोल नंबर के कितने मार्क्स आए सेकेंड रोल नंबर में कितने मार्क्स सिक्योर किए वो हो गया अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर राइट एंड द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दैट इज हाईस्ट से लोवेस्ट या फिर लोवेस्ट से हाइस्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग लेटस टेक अ लुक एट एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज में पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर जो मैंने आपको बोला अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके रोल नंबर्स भी होंगे और रोल नंबर्स वाइज जो उनके मार्क्स हैं आपको सिर्फ यहाँ पे नोट डाउन करना है दैट्स इट ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर देखो यहाँ पे फर्स्ट रोल नंबर ने कितना ऑप्टेन किया है सेकेंड रोल नंबर ने कितने ऑप्टेन किए हैं थर्ड रोल नंबर ने कितने ऑप्टेन किए हैं इसके अलावा आप कुछ मैंशन कर रहे हो यहाँ पे उनका नेम उनकी एज उनकी हाइट कुछ भी नहीं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये क्या हो गया आपका

सेम इज द केस ओवर हियर ये क्या है डिसेंडिंग है मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट मार्क्स पे जाएंगे जो है ट्वेंटी सेवनटीन फिफ्टीन इलेवन टेन एंड नाइन अगर कोई भी मार्क्स यहां पे रिपीट होते तो आप अलग से उसको लिखते आप उसको रिपीट करते लेट्स से अगर दो बार ट्वेंटी होता तो आप बोलते ट्वेंटी ट्वेंटी देन सेवनटीन फिफ्टीन इलेवन टेन एंड नाइन नाउ टिल हियर आपका इंडिविजुअल सीरीज क्लियर हो गया अनऑर्गनाइज एंड ऑर्गनाइज बोथ उसमें भी अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर एंड अकॉर्डिंग टू द मैग्नेट्यू दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज जो हमारी है डिस्क्रीट सीरीज